फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन दिस इंग्लिश यूट्यूब क्लास। आई एम गोइंग टू टीच यू सम फैक्ट्स ऑफ नाउन। नाउन्स के कुछ फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ। सम कन्फ्यूजिंग नाउन्स, कुछ कन्फ्यूज करने वाले नाउन, और कौन कौन से है वो मैं बता हूँ। वैसे तो बहुत सी कन्फ्यूजिंग नाउन्स हैं, बट मोस्ट ऑफ देम द वर्ड फ्लावर, द नाउन फ्लावर। फ्लावर मीन्स हर्स। फ्लावर इज द मेड ऑफ ए काइंड ऑफ स्टोन्स लाइक मार्बल, कोटा स्टोन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टोन्स, एंड इट इज मेड इन हाउसेज, शॉप्स, शोरूम्स, दैट इज द फ्लावर। घरों में, दुकानों में जो फ्लावर बना होता है, फर्श होता है, पत्थरों पत्थर से, विशेष प्रकार पत्थर से बनाया जाता है। ओके, सम पीपल कंफ्यूजिंग द फ्लावर एंड यूजिंग द फ्लावर इन स्टेड ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड इज डिफरेंट फ्लावर। ग्राउंड है वो फ्लावर से अलग है। ग्राउंड मीन्स जमीन। ग्राउंड मीन्स एनी काइंड ऑफ लैंड, किसी भी प्रकार की जमीन, दैट इज द ग्राउंड। एंड फ्लावर इज स्पेशली मेड ऑफ द स्टोन्स लाइक मार्बल्स एंड एनी अदर थिंग्स। सो द वर्ड फ्लावर एंड ग्राउंड आर कन्फ्यूजिंग। सो कीप इन माइंड, फ्लावर इज मेड ऑफ द स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन्स एंड इट इज इन होम्स, शॉप्स एंड शोरूम्स। एंड ग्राउंड इज नॉट ओनली द फ्लावर। एक्सटर्नली द ग्राउंड मीन्स एनी काइंड ऑफ लैंड, किसी भी प्रकार की जमीन। नेक्स्ट द नाउन इज स्किल। स्किल मीन्स कौशल। स्किल इज डेवलप्ड आफ्टर द बर्थ, इट इज नॉट इन बोर्न। ओके, लाइक आई हैव डेवलप्ड माई टीचिंग स्किल, ही हैज डेवलप्ड हिज स्किल ऑफ प्लेइंग, ही डेवलप्ड द स्किल ऑफ डांसिंग। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल दैट इज डेवलप्ड आफ्टर द बर्थ। द वर्ल्ड स्किल ऑफन कन्फ्यूजिंग विद टैलेंट। टैलेंट, वर्ल्ड टैलेंट मीन्स प्रतिभा। इट इज इन बोर्न, इट इज नॉट डेवलप्ड आफ्टर द बर्थ। वी आर इन बोर्न सम काइंड ऑफ टैलेंट। एंड द अदर वर्ड फॉर द टैलेंट इज जीनियस। जीनियस मीन्स ऑल्सो प्रतिभा, दैट इज ऑल्सो इन बोर्न। ओके, इनवी। इनवी मीन्स ईर्ष्या। The word envy means irsha and genius means also irsha. These two words often confusing. Envy is caused when we see the other's riches. जब दूसरों का धन देखते हैं तब हमें envy होती है, ईर्ष्या होती है। And genius happened, we are afraid of losing our things, our riches. जब हम डर में होते हैं अपनी चीजों को खोने से और से, तो वो जीलियस ही होती है। जीलियस ही अपनी चीजों की खोने से होती है, और इनवी दूसरों के धन को देख के होती है। सो दीज टू वर्ड्स हैज डिफरेंट मीनिंग, डोंट कन्फ्यूज। बोथ मीनिंग आर ईर्ष्या, बट इनवी हैपन कॉज्ड टू सी द अदर्स रिचेज, दूसरे को धन को देख के होती है वो इनवी होती है। एंड वेन वी आर इन अफ्रेड ऑफ लूजिंग समथिंग, और जब किसी खोने के डर में होते हैं तो क्या होती है, जीनियसी। सो देयर आर मेनी अदर कन्फ्यूजिंग नाउन्स, आई विल टीच यू लेटर, बट दिस टाइम आई टीच दीज थ्री नाउन्स दैट आर ऑफन कन्फ्यूजिंग। ओके, एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट माई फ्यूचर वीडियो अपडेट्स। Thank you.